किसानों द्वारा 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान घायल पुलिसकर्मियों से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। गुरुवार को अमित शाह दिल्ली के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर उनका हालचाल जाना। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान काफी उत्पात मचाया। लाल किले के अंदर घुसकर उन्होंने लाल किले पर फहराए गए झंडे को हटाकर अपना केसरिया झंडा फहरा दिया। ट्रैक्टर रैली के दौरान 300 से अधिक पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। शांतिपूर्ण रैली का ऐलान करने के बावजूद इसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। फिर चाहे लाल किले के अंदर बिना अनुमति के घुसकर बवाल करना हो, बैरिकेड तोड़ना हो या फिर पुलिसकर्मियों से झड़प, रैली के समय सारी हदें पार कर दी गई। इतना सब होने के बाद पुलिस और प्रशासन काफी सख्ती से काम कर रही है। पुलिस ने लाल किले में रैली परेड के वक्त झंडा फहराने वाले शख्स जुगराज सिंह की पहचान कर ली है। जुगराज तरनतारा के गांव तारा सिंह का रहने वाला है। साथ ही लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारी किसानों को भड़काने का आरोप लगा है। इसके अलावा किसानों का नेतृत्व करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत, वीएम सिंह, दर्शन पाल, सतपाल सिंह, सतनाम पन्नू, श्रवण सिंह, योगेंद्र यादव समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी नेताओं पर किसानों को भड़काने का आरोप है। किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर दिल्ली पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करेगी। साथ ही पुलिस किसान नेताओं के पासपोर्ट सरेंडर करने की भी प्रक्रिया शुरू करेगी। इस पूरे हिंसा के बाद टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस हिंसा में किसान नेताओं की भूमिका की जांच पड़ताल में जुट गई है। हिंसा में मरने वाले ट्रैक्टर चालक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार चालक की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है, गोली लगने की कोई बात सामने नहीं आई है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा के बाद किसान संगठनों के बीच दरार पड़ती दिख रही है। करीब 2 महीने से नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के पास प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति वापस चले गए हैं। बीती रात यहां से सभी आंदोलनकारी किसान हटते नजर आए। दूसरी तरफ किसानों के हंगामे के बाद राजनीति घमासान शुरू हो गया है। आरोप पर प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही जा रहा है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली में हुए किसानों के हिंसे का जिम्मेदार बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भारत में अशांति की स्थिति पैदा करना चाहती है, भारत यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंसे को लेकर इन किसानों को उकसाया है।